हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप टेन की सीरीज में। आज हम जो टॉपिक लिए हैं वह लिए हैं जैन धर्म से। कहाँ से? जैन धर्म से। तो जैन धर्म से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न देखो क्या कहा गया है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के कौन संस्थापक थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, चेतक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऋषभदेव। कौन थे बाबू? ऋषभदेव। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक, तब आप लगाओगे महावीर स्वामी को। वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी लगाओगे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जैन धर्म के संस्थापक, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऋषभदेव। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थांकर थे वो कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ये क्या थे? ये पहले तीर्थांकर थे। कुल कितने तीर्थांकर हुए हैं? तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 24 यानी 24। कुल कितने तीर्थांकर हुए बाबू? तो 24 आंसर हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे सब 24वें नंबर पे कौन थे? तो महावीर स्वामी। 24वें नंबर पे कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। और पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो ये कौन से थे? ये 23वें नंबर के थे। कौन से? 23वें नंबर के थे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर स्वामी थे, इनका पहला शिष्य कौन बना था? जमाल, विपिन, प्रभास या यशोदा? तो यहाँ पर आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। इनका जो दामाद था जमाली, वो इनका क्या था? पहला शिष्य था। ऑप्शन ए हमारा जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थांकर हुए हैं? अभी मैंने इससे पहले आपको इसका आंसर दिया है, तो कितने हुए हैं? 24। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वो क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे हुई थी? रुजपालिका नदी, निरंजना नदी, गोमती नदी या पार्श्वणी नदी? तो कहाँ पे हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा, रुजपालिका नदी के किनारे। क्लियर है? निरंजना नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर छः की ओर। प्रश्न नंबर छः क्या कह रहा है? कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था राजगीर में। कहाँ पे दिया था? राजगीर में। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछेगा इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। कहाँ दिया था? अंतिम उपदेश की बात करेंगे तो अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर सात की ओर। प्रश्न नंबर सात में हम लोग देखेंगे आज यहाँ पर टॉप टेन प्रश्नों की जो सीरीज हमारी है इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आगे चलेंगे, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? मैंने अभी बताया था कि अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था बाबू? तो पावापुरी। कहाँ दिए थे ये? अंत में कहाँ चले गए थे? पावापुरी चले गए थे। वहीं पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और पहला जो प्रथम उपदेश था कहाँ दिए थे? तो राजगीर में दिए थे। कहाँ दिए थे? राजगीर में दिए थे। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? आठवां है। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। क्लियर बाबू? चलो भैया आगे बढ़े चलेंगे प्रश्न नंबर नौ की तरफ। प्रश्न नंबर नौ आदे हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर नौ है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है। आपको यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हो ना तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बाबू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सिंह। क्या था? सिंह था। क्लियर है? चलो भैया आखिरी और दसवें क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा दसवां क्वेश्चन क्या है? दस नंबर का क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि महावीर स्वामी जो थे इनकी मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाराणसी में,
पावपुरी में, कन्नौज में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि महावीर स्वामी अंत में कहाँ चले गए थे, पावपुरी चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावपुरी में हुई थी, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमको देना है। क्या है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, जिन है, रत्न है, कैवल्य है या निर्वाण है। इसका आंसर हमें आपको कमेंट बॉक्स में हमको करना होगा। यह प्रश्न जो होगा आपके लिए HW रहेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।